और अब एक खबर जो आपको हैरान कर देगी। बिहार में एक शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 12 बार वैक्सीन लगवाई, सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। अब इस शख्स पर FIR दर्ज हो गई है। सवाल इसीलिए है कि देश में कई लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी, ऐसे में इस तरह सरकार से मुफ्त में मिल रही वैक्सीनेशन की सुविधा का दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। तस्वीरों में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो रातों रात चर्चा में आ चुके हैं। बिहार के मधेपुरा के रहने वाले ब्रह्मदेव मंडल एक या दो बार नहीं 12 बार कोविड वैक्सीन लगवाए। ये आलम तब है जबकि बहुत से लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी नहीं मिली, लेकिन ब्रह्मदेव जी 12 बार कोविड वैक्सीन लगवाए तो इसका पता चलने पर स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने किया ये कि ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करवा दी। जांचों उपरांत जो रिपोर्ट समर्पित होगा उसको उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा और वहां से जो दिशा निर्देश मिलेगा उस संबंध में वैसी कार्रवाई की जाएगी। FIR में कहा गया है कि ब्रह्मदेव मंडल ने 13 फरवरी 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच कोविड वैक्सीन के 12 डोज लगवाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना नियमों को अनदेखा कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पहचान पत्र को दिखाकर 12 बार वैक्सीन ली। मामले को लेकर पुरानी थाना में IPC की धारा 419, 420 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यहां तक कि ब्रह्मदेव फिर से कहीं वैक्सीन ना ले लें इसके लिए थाने में भी आवेदन दिया गया। आखिर 12 बार वैक्सीन क्यों लगवा दी, जब ब्रह्मदेव से ये पूछा गया तो सुनिए उनकी दलील। जो कि स्वास्थ्य कर्मी अपने बचने ख्याल से हमारे विश्वास में कुछ नियम लगाया गया है, यह गलत है, ऐसा नहीं होना। यदि इस तरह लगा है दवाई से मुझे ज़्यादा इस व्यक्ति से मुझे ज़्यादा फायदा होने के कारण से मैंने सुया अपने लेते चले गए, आज मैं तंदुरुस्त हूँ। तो टीके से लाभ हुआ तो 12 बार वैक्सीन लगवाए। ब्रह्मदेव मंडल का ये अजीबोगरीब तर्क जरूर है, लेकिन लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी है। ये तो जांच का विषय है कि आखिर एक आदमी को 12 डोज कैसे मिल गए। ABP News आपको रखे आगे।